गाजियाबाद में स्कूली बस में सवार छात्र की मौत के मामले में यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांकने के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत के दो दिन बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग के 3 अफसरों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया मंचों के जरिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के आरोप में शुक्रवार को 51 लोगों पर केस दर्ज किए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने मृतक के लिए न्याय के लिए एक पुलिस थाने के बाहर लाठियां लेकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। एसपी ग्रामीण ई राजा ने कहा कि लोकेंद्र आर्य नामक एक स्थानीय शख्स ने विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। यह हिंसा भड़काने वाला कृत्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।